अरे स्टार्ट हो गया। सो हेलो जी, आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करेंगे एक कहावत के साथ। अक्सर हमारे बड़े, हमारे घर वाले हमसे यही कहते हैं कि यार इंसान को ना हवा में पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और मेरे हिसाब से हमें अपने घर वालों की बात भी माननी चाहिए। पर इसके साथ साथ हम लोग हैं इंसान, और इंसान को अगर कोई चीज़ कहो कि ये नहीं करनी तो सबसे पहले वो यही करता है, और आज हम भी यही करने जा रहे हैं। सर, मैंने आपको ये तो बताया कि हम हवा में पैसे उड़ाएंगे, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम हवा में पैसे कैसे उड़ाएंगे। या तो नोट पकड़ के यूं उड़ा लो, या फिर कुछ महंगा सामान खरीद लो। मेरे केस में वो सामान है ये, यानी DJI का FPV। फाइनली मेरे हाथ में एक ड्रोन है, और पिछले एक साल से मैं प्लान आउट कर रहा था कि भाई मुझे ड्रोन लेना है। मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि भाई कौन सी कंपनी का लेना है और कौन सा मॉडल लेना है। सो एक दिन मैं केसी भैया का व्लॉग देख रहा था, तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि अगर आपको ड्रोन लेना है तो आप ये मत डिसाइड कीजिए कि आपको DJI का लेना है या नहीं लेना। आप ये डिसाइड कीजिए कि DJI का कौन सा मॉडल आपको लेना है। तो केसी भैया ने हमारी एक मुसीबत तो सॉल्व कर दी, अब दूसरी मुसीबत तो खुद ही सॉल्व करनी थी ना भाई, कि भाई कौन सा मॉडल लेना है कौन सा नहीं लेना। मेरे लिए लाइक ये पहला ड्रोन है, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि भाई क्या चीज़ ली जाए क्या चीज़ नहीं ली जाए। सो मैंने सब कुछ छोड़ दिया प्राइसिंग के ऊपर। अब इंडिया में मेरा बजट लगभग 80,000 के आसपास पहुंच गया था। 80,000 डेढ़ साल की सेविंग है, तो ठीक है, 80,000 इज़ गुड अमाउंट फॉर अ बिगनर ड्रोन। मेरे हिसाब से 80,000 में इंडिया में मिल रहा था DJI का मिनी 2 फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ। पर एक चीज़ मैंने देखी, अगर मैं इस प्राइस को दुबई के प्राइस से कंपेयर करता हूँ तो ऑलमोस्ट डबल थे। दुबई में सेम चीज़ 42,000 की मिल रही थी। फ़ायदा नहीं लगा मुझे कि यार मैं यहाँ से ये चीज़ लूँ जो कि बाहर के देशों में ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिल रही थी। एक तरीका और इंडिया में है कि आप किसी लोकल डीलर से ले लें, बट आई डेंट कंसिडर इट टू बी अ गुड मेथड। यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई लोकल जो लोग हैं वो किस तरीके के होते हैं डीलर्स, तो उन पे ट्रस्ट करना इतनी जल्दी इतनी महंगी सामान के लिए सही नहीं लगा। सो फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि भाई आई विल गेट इट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़। कोई बाहर आ रहा हो कोई जा रहा हो तो उससे पता करने से, और कोई कंफर्टेबल है लाने के लिए, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा वही रहा। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला, जो मेरे नॉन बंदे थे उनसे पूछा, तो देखने वाली बात यह है कि काफ़ी लोग सामने आए कि भाई हम ले आएंगे। और उनमें से बहुत लोग तो मतलब मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मेरा उनके साथ, और दे वर रेडी टू गेट दी थिंग। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू सजल भाई, थैंक यू धीरज भाई, थैंक यू विशाल भाई, एंड थैंक यू अभिषेक भाई। इन सब ने ट्राई किया पर कुछ ना कुछ भसड़ हो जाती थी और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। एक दिन मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस डाल रखा था, तो हमारे एक बिजनेस एसोसिएट हैं प्लस हमारे बड़े भाई हैं गौरव भाई, उन्होंने बताया कि यार मेरा एक कज़न है वो आ रहा है, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आपको क्या लाना है। सो मैंने सारी बात उनके साथ शेयर करी, उन्होंने अपने कज़न यानी सौरभ भाई का नंबर दे दिया, एंड सौरभ भाई ने फाइनली कह दिया कि यार मैं ड्रोन ले आऊँगा। अभी तक मॉडल डिसाइड नहीं हुआ था, ये डिसाइड हो गया था कि भाई USA से हमारा ड्रोन आएगा। अब USA के प्राइसेस में और दुबई के प्राइसेस में आप कंपैरिजन करेंगे तो लगभग एक नॉर्मल मॉडल पे 5 to 6,000 का जो है प्राइस में फ़र्क दिख रहा था। तो अब मेरी जो रेंज थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मिनी 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि थोड़ा लोअर मॉडल हो गया। मिनी 3 प्रो जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, और Air 2S एंड दिस बीस्ट बैडेस्ट बीस्ट FPV, ये तीन मेरे ऑप्शन के अंदर आ गए। मिनी 3 प्रो मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि USA में उसका फ्लाई मोर कॉम्बो अवेलेबल नहीं था। देन रेस हुई Air 2S और FPV के बीच में, जिसको FPV ने जीत लिया। बिकॉज FPV के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, बट जैसे जैसे मैंने रिसर्च करी, इसकी वीडियोस देखी, तो मेरा एक अंदर से ही इसके प्रति इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया। सो यार हमें सौरभ भाई के घर पे, सौरभ भाई वो हैं जो हमारे लिए ये सामान तबाही का सामान लेके आए हैं। सो सौरभ भाई कैसा रहा, मतलब आप कैसे लेके आए यहाँ पे इसको?
मतलब थोड़ा प्रोसीजर बता दीजिए, जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं जो बाहर से लाना चाहें तो किस तरीके से लेके आए उसको। मतलब इसका बॉक्स जो था वो तो बहुत ही बड़ा था, तो मतलब मैं तो उसको जैकेट में अच्छे से बबल रैप करके और जैकेट में उसको रैप करके और फिर मतलब बड़े सूटकेस में वो इजी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इसको अनबॉक्स करके लाएंगे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना सारा सामान आ जाएगा, तो सॉरी सौरभ भाई इसके लिए। नहीं नहीं एक्चुअली बॉक्स इसका ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो और आप अगर ला रहे हो बॉक्स में तो फिर कस्टम में फंसने के थोड़े से चांस ज़्यादा होते हैं, तो बेटर है कि आप उसको खोल के ही लाओ ताकि आप बता सको कि हाँ ये यूज्ड है और मैं मतलब पर्सनल ला रहा हूँ, किसी को सेल नहीं कर रहा। बेसिकली अगर सील बॉक्स लाओगे तो फिर उसमें ये हो सकता है कि आप सेल के लिए ला रहे हो। ओके, तो इसलिए आप ओपन बॉक्स करके लाओ तो बेटर है। ठीक है, जैसे अब इन्होंने सबसे बढ़िया काम जो किया, जैसे इसकी ट्रे आई थी ड्रोन की, तो इसके ऊपर बेसिकली जो है ये बबल रैपिंग कर दी, जिससे कि जो इसका गिम्बल है बेसिकली वो सेफ रहा और सही तरीके से ये पहुंच गया। हम लोग अभी इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका जो अडैप्टर है वो ये वाला इस टाइप का है, तो इसके लिए हमें एक नया जो है कनेक्टर लेना पड़ेगा, वो भी बाहर जाके देखते हैं। सो उनके यहाँ पर तो हम ज़्यादा दिखा नहीं पाए क्योंकि एक्साइटेड थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मुझे मिला है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यार नॉर्मल ड्रोन का आप कॉम्बो लोगे तो वो फ्लाइमर कॉम्बो आएगा, और इस ड्रोन का कॉम्बो लोगे तो वो फ्लाइमर कॉम्बो नहीं आएगा। इसमें एक्सेसरीज आएंगी जो कि ड्रोन के साथ आती हैं, पर इसकी बैटरीज जो हैं वो नहीं आएंगी, तो उसके लिए आपको एक अलग से फ्लाइमर किट लेनी पड़ेगी जिसमें आपकी दो बैटरीज और एक चार्जर आएगा। सो कॉम्बो में हमें बेसिकली मिले हमारा 20 स्मॉल बीस्ट दिस रिमोट, जो कि बिल्कुल प्ले स्टेशन वाला रिमोट की तरह है और बहुत ही शानदार चीज़ है। गॉगल्स, गॉगल के साथ हेडबैंड, ये मैंने फिट कर लिया है। चार्जर, चार्जर में बेसिकली यूएस वाला सिस्टम है, तो आई गॉट दिस 3-way मल्टीप्लग। एक चीज़ सजेशन और देना चाहूँगा यहाँ पे कि यार आप ये अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि नॉर्मल क्वालिटी का अगर लेंगे हल्की क्वालिटी वाला तो हो सकता है कि कुछ चीज़ शॉर्ट हो जाए, तो इतना महंगा सौदा है तो इसके लिए थोड़ा रिस्क मत लेना। देन वी गॉट दिस चार्जिंग केबल, OTV केबल, एंड दिस इज द बैटरी केबल फॉर दिस गॉगल, और गॉगल की बैटरी ये रही। देन वी हैव दिस एंटीनास, ये गॉगल के ऊपर फिट हो जाते हैं कनेक्टिविटी के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस प्रोपेलर्स, दो पेयर मिले हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो मैं आगे जैसे जैसे ब्लॉग बढ़ेगा बताऊँगा। तो यार सबसे बड़ी बात है DJI के साथ बहुत ही जो इसका इंस्टॉलेशन है बहुत ही इजी है। आप DJI की जो फ्लाई ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। नॉर्मल जो iOS फ़ोन है उसमें तो iOS स्टोर पे मिल जाएगी, पर प्ले स्टोर पे इंडिया में नहीं मिलेगी, तो आपको साइट पे जाके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप फाइल मैनेजर में जाके अपने फ़ोन के इंस्टॉल कीजिए तो बहुत आसानी से ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी एक्टिवेशन का, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, इसको पेयर करेंगे। पेयर बेसिकली कैसे करेंगे, इसको सिंगल प्रेस करेंगे और फिर डबल प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारा ड्रोन, अरे एक मिनट फिर से एक्टिवेट हो गया ये, वाह। आप उसी के थ्रू, फ्लाई ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट कर लीजिए अपने गॉगल से, अपने रिमोट से। बहुत ही ईजिली आप फ्लाई ऐप के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी, इसकी जो बैटरीज थी वो हाइबरनेशन मोड पे चली जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एयर के थ्रू किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बैटरीज़ को हाइबरनेशन मोड में डाल देता है। बेसिकली हाइबरनेशन मोड पे जो बैटरी चली जाती है उसको लाइव लाना, यानी बैटरी को दोबारा से स्टार्ट करना बहुत ही टेढ़ा काम है थोड़ा। मेरे केस में जैसे इसमें क्या हो रहा था कि भाई दिस वॉज ओनली शोइंग अ सिंगल साइन आफ्टर चार्जिंग ऑफ लाइक 4-5 hours। मैंने चार्ज पर लगा के छोड़ दिया था। मैंने 2-3 दिन इसको ऐसे ही किया, उसी चक्कर में मैं थोड़ा इसको उड़ाने में भी लेट हो गया, तो 2-3 दिन इसको ऐसे मैं चार्ज कर देता था 3-4 घंटे के लिए, और फिर मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता था जिससे कि वो डिस्चार्ज हो जाए। फॉर्चुनेटली ऊपर वाले का करिश्मा समझो या पता नहीं इसके अंदर क्या सीन था, बैटरी एक दिन चार्ज लेने लग गई और ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। अब आती है बात सिमुलेटर की। समझो 1 lakh के सौदे को अगर हम एकदम से हवा में उड़ा दें तो इतना भी अपने अंदर जिगरा नहीं है, तो इट वाज लाइक पहले सिमुलेटर पे ट्राई करते हैं। अब वही है कि भाई
जो सिमुलेटर है वो आईफोन पे ही चलता है और नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कोई सिमुलेटर नहीं है। तुम कहोगे कि यार आईफोन ले लो, अभी खर्चा बहुत हो गया है और खर्चा करने की इतनी दम नहीं है भाई, सही में दम नहीं है। तो बहुत मुश्किल से एक ऐप मिली है फ्री राइडर करके, और उस ऐप पे आप बेसिकली अपने रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट कीजिए और थोड़ा फ्लाइंग एक्सपीरियंस लीजिए। टाइम हो गया 6:09, इनफैक्ट 6:10। नॉर्मली जब मैं किसी राइड पे जाता हूँ या फिर फिटनेस के लिए जाता हूँ तो ही इतना जल्दी उठता हूँ, पर आज कार में सुबह सुबह हम जा रहे हैं किसके साथ, हमारे ड्रोन के साथ। बात यह कि घर के पास तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था तो मैंने पहली फ़्लाइट के लिए वो जगह नहीं चूज़ करी। एक जगह है नोएडा में जो ओपन है, नोएडा बेसिकली ओपन ही है, तो उस तरफ ही हम जा रहे हैं इसको उड़ाने के लिए, इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट के लिए। नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यार मैंने पिछले 10 दिनों में इसको उड़ाया नहीं और ट्यूटोरियल्स देखे इतने सारे जिससे कि कन्फ्यूजन भी हो गया दिमाग में, सही बताऊँ तो बेसिकली उन ट्यूटोरियल से सीखने को ही मिला है। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर आज अप्लाई करेंगे और इसकी पहली फ़्लाइट जो है होपफुली सक्सेसफुल हो जाए। सो यस, वी हैव फाइनली रीच्ड आवर लोकेशन। ये हमारी लोकेशन है, अच्छी सी लग रही है, और ये हमारे साथ आए हैं मिस्टर धीरज। ये बेसिकली हमारे जीजू हैं और हमारे दोस्त भी हैं और हमारी तरह ही एंथुजियास्टिक हैं इन सब चीज़ों के साथ साथ। तो क्या लगता है, उड़ा पाएंगे हम? हाँ बिल्कुल उड़ेगा। आज बढ़िया नोएडा की आएगी शॉट। अच्छा चलो ठीक है यार, तो सेटअप को तैयार करते हैं और लेट्स फ्लाई। तो भैया सबसे पहला काम है इसके अंदर बैटरी लगाना। कल रात को सारे जो सेटअप्स हमारे उनको अच्छी तरीके से चार्ज कर लिया था। ये यहाँ पे प्लगिंग हो गई है, जो है इसके जो प्रॉप्स हैं वो लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये रेड वाली है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है। बेसिकली क्या होता है, जो रेड और ऐसा प्लेन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सिस्टम के लिए होती है। अब जैसे ये बिगर रिंग वाली है, इसको जस्ट हमने इसके ऊपर ही प्लेस करना है एंड जस्ट थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको घुमा देना है। सो ये प्रॉप टाइट हो गई है इस तरीके से, यहाँ पे हो गया। सो अब इसका जो गिम्बल प्रोटेक्टर है ये बहुत संभाल के रखना होता है यार, क्योंकि मैंने चेक किया था, महंगा सौदा है ये भी एक तरीके से। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये वाली केबल इसमें लगेगी, बैटरी में लगेगी, इसके एंटीनाज हैं चार, ये हमें फिक्स करने पड़ेंगे। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा गॉगल का पावरिंग सोर्स हो गया। रिमोट की जो फ्लाइंग कीज होती है वो बेसिकली ये होती है, माउंट कर देते हैं अपने रिमोट के ऊपर। नाउ विल पावर द थिंग्स अप। अभी खतरनाक वाली साउंड आने वाली है। ऐसा लग रहा है कोई ऑटो वोट एक्टिवेट हुआ है। आवाज़ें आ गई हैं, कनेक्टेड हो गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? हैं बढ़िया बढ़िया लग रहा हूँ। तो रिमोट को नीचे की तरफ करते हैं, मोटर स्टार्ट हो गई है। तो यार फर्स्ट टेक ऑफ होने वाली है हमारी, और चलो भैया ये हमने एक्सीलरेशन दी और ये उड़ गया। वाओ बेसिकली ये भी हुआ क्या कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा आगे ले गए थे और अचानक ही लगभग 12 या 13 मिनट के बाद इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई। अब इसमें सबसे बढ़िया बात है कि भाई इसमें जो RTH है, रिटर्न टू होम बटन है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया और ड्रोन सेफली लैंड कर गया, नहीं तो हमारे तो लिटरली फट गई थी कि भाई कहाँ गया कहाँ गया, हम इधर उधर ढूंढ रहे थे। सो अभी नॉर्मल मोड में एक बैटरी हमने ख़त्म करी है, हमारे पास दो बैटरी और हैं अभी। सो एक स्पोर्ट्स मोड का सीन तो बनता ही है। अब जो मोड है हम चेंज करेंगे यहाँ से, बेसिकली जो बटन्स हैं स्पोर्ट्स मोड में जाऊँगा, अभी मैनुअल मोड में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा रिस्की बन जाता है। सो लेट्स ट्राई दी स्पोर्ट्स मोड। यस लेट्स फ्लाई।
तो भाई फर्स्ट फ्लाइट हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो सही रही, और एक्सपेक्टेशन से बेसिकली अच्छी रही क्योंकि मैंने क्रैश नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार कुछ अच्छे शॉट्स आ गए। क्लैरिटी की बात करें तो बहुत बढ़िया क्लैरिटी है, जिस हिसाब से सुना था कि भाई स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है उसमें भी मज़ा आ गया। पर बात यह है कि अभी जब तक हाथ खुलता नहीं है प्रॉपर तरीके से, लाइक अभी मैंने मैनुअल मोड में फ्लाई नहीं किया है, तो जैसे जैसे मेरा हाथ खुलेगा थोड़ा सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ही मैं फुल मैनुअल मोड पे जाऊँगा। इसकी एक चीज़ जो है, एक तो इसका साइज़ और एक इसके साथ जो सामान है वो बहुत सारा है, तो लाइक अगर मैं बाइक राइड पर जाता हूँ मेरे लिए थोड़ा सा हेडेक बन जाएगा ये कि भाई इतने सारे सामान को कैरी करना है, इन केस अगर बारिश हो जाती है तो वाटरप्रूफ तो है नहीं है जनाब, इनको पानी से डर लगता है, तो इनको लाइक कैरी करना भी उस समय थोड़ा एक नॉट इजी टास्क बन जाएगा। प्लस इसकी जो बैटरीज हैं, सेकंड थिंग, लाइक हमने 10 मिनट एक बैटरी पे दिया होगा, 10 मिनट से ज़्यादा ये बैटरी चली नहीं, तो ये थोड़ा कंसर्न इशू है कि भाई 3 बैटरीज यानी आधा घंटा पूरी ट्रिप पे। ठीक है ज़्यादा देर फ्लाई नहीं करेंगे, पर फिर भी बैटरी लाइफ जो है कंपेयरिंग अदर ड्रोन्स बहुत कम है, तो DJI को इस चीज़ पर आई थिंक थोड़ा वर्क करना चाहिए। मिलते हैं जल्द नए व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ, कुछ नए कारनामे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय।